नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बारिश ने देश में मौसम सुहावना कर दिया है। हर जगह बारिश की फुहारे आनंद दे रही हैं, मगर ये बारिश जहां कुछ लोगों के लिए रौनक और सुकून लेकर आई है, वहीं ये बारिश कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आई है। खासकर गांवों में पानी से लोगों को काफी परेशानी हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत एक ये है कि आजकल शादी का सीजन भी है। ऐसे में जिनके घर में शादी है वो काफी परेशान है। लेकिन ऐसे में हमारे पास महाराजगंज से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपके चेहरे पर मुस्कान और चिंता दोनों ला सकती है। महाराजगंज में बाढ़ के बीच अनोखी शादी और बारात की एक तस्वीर सामने आई है। बाढ़ की वजह से दूल्हे को अपनी बारात नाव से ले जानी पड़ी। शादी के बाद दुल्हन को भी नाव से लेकर दूल्हा अपने घर पहुंचा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त और व्यस्त हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, कुशीनगर, बहराइच और महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के बीच जहां आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है, तो वहीं महाराजगंज जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित सेमर हवा गांव में नए नवेले दूल्हे राजा देर रात बारातियों संग अपनी दुल्हन को लेने नदी से गांव के रास्ते ससुराल पहुंचे, जहां नदी पर ससुराल के लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया। रात में जब दूल्हे राजा नाव पर सवार हुए तो इतने विशाल नदी को नाव के सहारे पार करते एक तरफ जहां बाराती डरे सहमे नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा भी डर के मारे हाहे भरते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह किस तरीके से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर नाव से नदी को पार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी तरीके से दूल्हे राजा बारातियों का हुजूम लेकर जान जोखिम में डालकर शादी का लड्डू खाने में तो सफल हो गए, लेकिन उनकी ये शादी यादगार बनकर हमेशा चर्चा का विषय जरूर बनेगी। विजय कुमार यादव बैरवा बनकटवा सिमरावा गांव में नाव से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी हम लोग सब लोग मिलके बाहर रखे रहे हैं और सामान सब लोग मिलके पर रखे हैं। बहुत परेशान हुई, बहुत डर लग रहा है सर। भाई साहब, ये सिमरावा गांव के रहने वाले हैं हम, और हमारी बेटी का शादी था कल मंगलवार को, और ये नदी पूरा भरा हुआ है। इस समय बहुत दिक्कत से, बहुत परेशानी से हम लोग जो है गुजर रहे हैं, और हम अपनी लड़की का विदाई किए हैं, जो कि हमारे दामाद जो है वो लोग भी बहुत परेशान हुए। आने जाने का नाव से हम लोग पार किए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ ही हो रहा है हम लोगों को। यही सब बहुत दिक्कत हुई है, पैर फिसल जा रहा है, किसी को चोट लग रहा है, किसी को घाव लग जा, कोई नदी में डूबने लगता है। बहुत तकलीफ हुआ है, सही ढंग से कुछ नहीं हो पा रहा है। सरोज यादव, लड़की शादी कब रहा और कैसे विदाई भइल, कैसे आप लोग पहुंचा? अरे बहुत दिक्कत हुआ एक इसमें आने जाने से, हम लोग आने जाने में लड़की की विदाई के लिए में। लड़की अपने घर से लेके यहाँ तक कैसे? अरे वो तो हम ही लोग बूझे हैं ना, कैसे पहुंची हैं, कैसे लेके आई आप? बहुत दिक्कत हुआ है, आप देखे नहीं है, थोड़ा बताइए कैसे बैठा के लिए? अरे बहुत परेशानी हुआ है बैठाने के लिए। डर भी लग रहा है? अरे बहुत डर लग रहा है, इस गांव में पुल नहीं है आने जाने के, यहाँ कोई इमरजेंसी में कोई तबीयत खराब हो जा रहा है, कैसे जाएंगे लोग? अरे पूरे नाई पर पूरे टैंकर अलमारी खरीद धो के पूरा खाली करके नाई पर दूध ले आके लाद के सब पहुँचाओ तुम सब। अरे बहुत डर लग रहा है, कैसे जाएंगे, जैसे आए वैसे जाएंगे। अब आपको इस गांव की थोड़ी कहानी भी बता देते हैं। दरअसल
सेमरावा गांव नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ता है। यहां की आबादी लगभग 7000 के करीब है। ये एक तरफ जंगल से घिरा है तो दूसरी तरफ नेपाल से बहकर आने वाली रोहिणी बहती है। ऐसे में अब यहां के लोग इसी रोहिणी नदी को पार करके अपने रोज जीवन को खतरे में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो मानसूनी सीजन में पहाड़ों पर वैसे भी दोहरी मुसीबत पड़ती है। एक तो बारिश से लेकर फ्लैश फ्लड तक पहाड़ों का काफी नुकसान हो जाता है, दूसरी ओर धंसती हुई जमीन और गिरती हुई चट्टानें मुसीबत को दोगुनी कर देती हैं। लेकिन पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी भयंकर बारिश और बाढ़ का कहर है। उत्तर प्रदेश का हाल इस वक्त बेहाल है। खुद सीएम योगी बाढ़ को लेकर सजग हैं, मगर इन्हीं परेशानियों के बीच ये शादी काफी चर्चा का विषय बनी रही। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।